बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लेने जा रहे हैं अपना लैब नंबर 12 का लेक्चर, जिसके अंदर हम फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, उनको किस तरह यूज़ किया जाता है, उनके क्या फ़ायदे हैं, और फिर कुछ अगर उनके टाइप्स हैं फंक्शंस की, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगी फंक्शंस की, और उसके बाद फिर हम पर आएंगे कि ये होते क्या हैं। एक सिंपल सा कोड है, आप सब फैमिलियर हो इससे, इंट मेन, और मेन के अंदर हमने एक सिंपल सी एक लाइन लिखी है, कुछ भी कोड ऊपर या कुछ भी कोड नीचे, और हमने एक लाइन लिखी है। कोई भी हम फंक्शन का नेम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, और उसके बाद हमने दो पैरेंथीसिस लगा के टर्मिनेटर का साइन दे दिया। इस एक लाइन का मतलब ये है कि हम किसी न किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, और ये लाइन हमने लिखी है अपने मेन मेथड के अंदर। तो इसका सेंटेक्स फंक्शन नेम और पैरेंथीसिस का और मेन का, ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि मेन भी एक फंक्शन है, लेकिन मेन जो फंक्शन है वो बिल्ट इन है, मतलब सी प्लस प्लस का अपना फंक्शन है जिसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं, और नीचे वाला जो फंक्शन है ये हम खुद अपने बना रहे हैं, ये यूज़र फंक्शन है। तो यूज़र फंक्शन आप अपनी मर्जी के बना सकते हो, अपने डिफरेंट नेम से, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। और जो भी फंक्शन आप खुद से बनाओगे, जो भी नेम आप उसका दोगे, उसको ऑफकोर्स आप ऊपर डिक्लेयर भी करवाओगे मेन मेथड से ऊपर, ठीक है। तो void फंक्शन नेम, पैरेंथीसिस, और यहाँ पर ये जो दो कर्ली ब्रेसेस हैं स्टार्ट एंड एंड, इसके दरमियान में आप कोई भी फंक्शन, जो भी वो फंक्शन काम करने जा रहा है, सी आउट, सी इन, प्लस माइनस, डिवीजन, जो भी और वो करना चाह रहा है, वो सारा कोड हम इसके दरमियान में दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, हम डिफरेंट चीज़ों के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं, और उन तमाम फंक्शंस को हम ऊपर मेन मेथड से ऊपर डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं सबसे पहले फंक्शंस के ऊपर, और फिर हम इसकी और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये तो हमारा मेन मेथड हो गया, ये भी एक फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन अब हम एक और फंक्शन यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहे हैं। सपोज मैं इसका नाम यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले, ठीक है, और डिस्प्ले के बाद मैंने दो पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड की, और उसके बाद मैंने टर्मिनेटर का साइन लगा दिया। तो ये लाइन नंबर 6 यहाँ पर ये कर रही है कि ये एक फंक्शन डिस्प्ले नाम के एक फंक्शन को कॉल कर रही है, लेकिन डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन यहाँ पर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन हम यहाँ पे मेन मेथड से ऊपर हम इसको शो करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं void लिख रही हूँ, इसका पर्पज मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ कि यहाँ पे हम void क्यों लिखते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट एंड एंड, ये हो गई बॉडी हमारे फंक्शन की, और ये पैरेंथीसिस होगी, इनका पर्पस भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो डिस्प्ले एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे मैंने कॉल किया, और ऊपर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। इसके अंदर मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसके अंदर मैं सिंपल एक लाइन सी आउट करवा रही हूँ, वी आर यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं इस छोटे से प्रोग्राम को। मैं दोबारा बता रही हूँ, हमने सिंपल लाइन नंबर 9 पर एक डिस्प्ले का फंक्शन, अपनी मर्जी का नाम हमने इसका रखा, और हमने इसको डिक्लेयर करवा दिया मेन मेथड से ऊपर, हमने इसको डिफाइन करवाया, और इसके नेम से पहले हमने void का कीवर्ड लगाया, ठीक है। इस कीवर्ड के बारे में हम बात करेंगे, तो फंक्शन के नाम से मैं इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। वही काम जो हम सी आउट सिंपल मेन मेथड में लिखकर भी कर सकते थे, वी आर यूजिंग फंक्शन, वो हमने एक फंक्शन के थ्रू करवाया। मैं सिंपली आपको ये समझाना चाह रही थी कि फंक्शंस होते क्या हैं और ये कितने इजी हैं। ये वही तमाम चीज़ें हैं जो आज तक हम C++ में पढ़ चुके हैं, बस अब हम क्या करेंगे, उनके हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना देंगे, उनको सेपरेट कर देंगे। जैसे सी आउट्स मैंने जहाँ जहाँ करना है, मैं उसके लिए एक डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ कर लूँगी, ठीक है। जहाँ मैंने एडिशन करनी है, उसके लिए मैं एक और एडिशन का फंक्शन बना दूँगी। हम यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस भी शो कर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं void add के नाम से एक और वहाँ पे फंक्शन बना रही हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ नंबर्स की एडिशन लेना चाह रही थी, ठीक है। और हम यहाँ पर add के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं,
कॉल करना मस्ट है। अगर हम कॉल नहीं करेंगे और ऊपर हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं तो उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन फंक्शंस को कोई भी कॉल करके रन नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखें, सबसे पहले डिस्प्ले कॉल हुआ था, वी आर यूजिंग फंक्शंस आ गया उससे, डिस्प्ले के फंक्शन से, और उसके बाद ऐड कॉल हुआ था, तो जो भी ऐड का रिजल्ट हमारे पास 5 आया तो वो 5 आपके पास रिटर्न आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इनकी यहाँ पर कॉलिंग का थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगी, मतलब मैं ऐड को पहले कॉल कर लूँ और डिस्प्ले को मैं बाद में कॉल करूँ, तो ऑफ कोर्स अगर ऐड पहले कॉल हुआ है तो ऐड का रिजल्ट पहले आएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। सबसे पहले 5 आए और उसके बाद वी आर यूजिंग फंक्शन, तो जिसको हम कॉल पहले करेंगे उसका रिजल्ट हमें पहले शो होगा। इस बात से ये चीज़ क्लियर है कि आपका जो C++ प्रोग्राम, आपका जो कंपाइलर है, वो आपके मेन मेथड को सबसे पहले, इस फंक्शन को सबसे पहले वो रन करता है, और इस फंक्शन के अंदर जो चीज़ें कॉल हुई होती हैं ये उन कॉल्स को सबसे पहले फाइंड करता है कि ये कहाँ पर हैं ये फंक्शंस, और इसको अगर ये फंक्शन मिल जाते हैं तो ये फिर उनको रन कर देता है, और जैसे ही उसको ये क्लोजिंग ब्रेसेस अपनी मिलती है ये वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से इसको कॉल किया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना खास मुश्किल नहीं है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐड कॉल हुआ, हम ऐड फंक्शन के ऊपर गए, हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, हमें क्लोजिंग ब्रेसेस मिली, हम वापस इस जगह पर आ गए जहाँ से हमें कॉल की थी, और हम नेक्स्ट लाइन में चले गए। नेक्स्ट लाइन पे हमें दोबारा एक फंक्शन की कॉल आई, हमने इस फंक्शन को ढूंढा, इसको हमने एग्जीक्यूट किया, इसकी एंडिंग ब्रेसेस मिली, हम बाहर आ गए, और जब हम बाहर आए वापस हम मेन मेथड के अंदर आए तो यहाँ पे हमारा मेन मेथड ख़त्म हो गया था, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई है। तो दो ही फंक्शन थे, वो दोनों एग्जीक्यूट हो गए। तो ऊपर फंक्शंस आप जिस तरह मर्जी, जिस मर्जी ऑर्डर में दें, ये एग्जीक्यूट उस ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में इनको मेन मेथड से कॉल किया गया है। तो ये हम कॉल कर रहे हैं फंक्शंस को, और ये जो फंक्शन हैं ये डिक्लेयर्ड हैं। ठीक है, तो इसका आप फर्क यहाँ पर बड़े अच्छे से देख सकते हो कि जहाँ हमने फंक्शंस को डिक्लेयर किया है तो वहाँ पर हमने ये void का एक कीवर्ड लिखा है। void क्या है? void इज द रिटर्न टाइप, मतलब आपका फंक्शन जब कॉल होगा तो वो क्या चीज रिटर्न करेगा। तो void का मतलब होता है नल, मतलब कुछ भी नहीं। तो यहां पे हमारे फंक्शंस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐड का फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करे, कुछ ना कुछ इंटीजर टाइप का डाटा वो रिटर्न करे, तो मैं यहां पर सिंपली फिर अब अपने फंक्शन के अंदर ये कीवर्ड भी यूज लाजमी करूंगी रिटर्न का, 2+3। और अगर मैंने कोई चीज़ रिटर्न करवाई है यहाँ से, तो ऑफ कोर्स जहाँ से मैंने उसको कॉल किया है वहाँ से मुझे उस रिटर्न चीज़ को कैच भी करना पड़ेगा। तो मैं किसी भी एक इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल के अंदर उसको कैच कर रही हूँ, और कैच करने के बाद मुझे उसको अगर मैंने डिस्प्ले करवाना है तो मैं डिस्प्ले करवा दूंगी। वो मेरी आगे अपनी मर्जी है कि मैंने उसके साथ काम किस तरह करना है, मैंने उसको किसी फॉर्मूले के अंदर यूज़ करना है, मैंने ए को किसी और वेरिएबल 2 के साथ ऐड करवाना है या 3 के साथ ऐड करवाना है, तो वो भी मैं यहाँ करवा सकती हूँ। तो इस चीज़ को मैं रिपीट कर रही हूँ। ये हमारा फंक्शन है जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, इस फंक्शन का नाम था ऐड। ऐड फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल किया, जब ये कॉल हुआ तो इसकी रिटर्न टाइप थी इंट, तो मतलब ये इंटीजर टाइप का कोई डाटा रिटर्न करेगा। जैसे ही ऊपर रिटर्न टाइप इस्तेमाल हुई तो अंदर इसके एक कीवर्ड रिटर्न भी इस्तेमाल लाजिम था, कि कोई ना कोई चीज़ जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख दें। हम कोई वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं, हम इस तरह का नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी अपनी मर्जी है। जो चीज़ भी हमने रिटर्न की उसको यहाँ पर जहाँ से हमने इसको कॉल किया था वहाँ पे हमें उसको कैच भी करना पड़ेगा। तो इंटीजर ए के अंदर हमने उसको कैच किया। आप कोई भी इंटीजर यहाँ पर इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसको सेव करवा सकते हो रिटर्न वैल्यू को, और यहाँ पर आप उसको सी आउट के अंदर किसी और फार्मूले के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको सिंपली भी लिख सकते हो। इसको रन करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में आया है सबसे पहले 8। ठीक है, हमने ऐड के फंक्शन पर गए, ऐड के फंक्शन ने हमें 5 रिटर्न किया, 5 ए के अंदर आ गया। सी आउट हमने क्या करवाया, 5+3, तो 5+3 इज 8,
और उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर सिंपल एक लाइन सी आउट हो रही थी, वी आर यूजिंग फंक्शंस, तो एज इट इज वो लाइन डिस्प्ले हो गई और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम सिंपली चेक करें कि ए के अंदर इस वक्त क्या आउटपुट आई थी, हम सिंपल ए को भी यहाँ पर हम आउटपुट करवा के देख सकते हैं। ठीक है, ए के अंदर 5 आया था, ठीक है, ए के अंदर 3 प्लस किया तो 8, और उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन का रिजल्ट। तो ये है सिंपली फंक्शंस होते क्या हैं और ये फंक्शंस की रिटर्न टाइप क्या होती है, ये चीज हमने डिस्कस करी कि अगर हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम उसके साथ वॉइड लगाएंगे, और अगर हमारा फंक्शन कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम उसके साथ उसकी रिटर्न टाइप, किस किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर वो वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की रिटर्न कर रहा है, हम इंट लगाएंगे और उसके अंदर फिर हम रिटर्न का कीवर्ड भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स दोबारा से देख लेते हैं। एक दफ़ा हमने फंक्शंस के बारे में बात की कि फंक्शंस होते क्या हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं फंक्शंस की, हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी मेन, मेन का जो मेथड है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, वो बना बनाया फंक्शन है, हम उसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, तो ये अभी जो हम ऐड डिस्प्ले या जितने भी और फंक्शन हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे वो तमाम यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आप पर डिपेंड करते हैं आप उनको क्या नेम देते हो, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए उनको बना रहे हो, उसके अंदर आप क्या काम करवा रहे हो, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरह वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी से डिक्लेयर और डिफाइन करते हो, इसी तरह फंक्शन आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। हम किस तरह यूजर डिफाइंड फंक्शन पर काम करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अभी मैंने आप लोगों को दो फंक्शंस बनाकर और उनको रन करके मैंने आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि ये होते क्या हैं और उन पर काम हम किस तरह करते हैं। ठीक है, काम वही सारे हैं जो हम अभी तक सी प्लस प्लस में पढ़ आए हैं। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने उन्हीं कामों को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। मॉड्यूल्स का मतलब होता है हमने छोटे छोटे टुकड़े बना देने हैं, टुकड़ों को हमने डिफरेंट फंक्शंस में करवा देना, डिस्प्ले के काम अलहदा फंक्शंस में, एडिशन के काम अलहदा फंक्शंस में, सब्ट्रैक्शन में, एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है ये भी हमने बात कर ली, और एक फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं ये भी हमने बात कर ली, डिक्लेरेशन भी हो गई और डिफाइनिंग भी हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास, ये एक डिस्प्ले का फंक्शन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, यहाँ पर आप लोग इसका सेंटेक्स भी देख सकते हो। ठीक हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है कि हम कुछ वैल्यूज रिटर्न पास कर सकते हैं फंक्शंस को या नहीं, और अगर हम कुछ वैल्यूज उसको पास कर सकते हैं तो किस तरह पास करेंगे और उनके ऊपर वर्किंग किस तरह होगी, अब हम ये वाली चीज हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं अब आपको एक सिंपल सा फंक्शन यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगी, इनको अब मैं इरेज कर रही हूँ, और उस फंक्शन को हम कुछ वैल्यूज जो हैं पास करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वैल्यूज किस तरह पास की जाती हैं। मैं यहाँ पे एक एडिशन का एक फंक्शन हम बना लेते हैं, और उस एडिशन के फंक्शन को मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज पास करना जा रही हूँ कि इन वैल्यूज का मुझे एडिशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ void addition, और मुझे इस एडिशन के फंक्शन से कोई रिटर्न चीज नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर void लिख दिया कि जो भी इसने रिजल्ट अपना शो करना है वो यहीं पर इस अपनी बॉडी के अंदर ही वो शो करेगा। ठीक है, मुझे कोई रिटर्न चीज नहीं चाहिए, अगर मुझे रिटर्न चीज चाहिए होती तो मैं यहाँ पर int लिखती। अच्छा, अब दो मैंने यहाँ पर वैल्यूज पास की हैं इस फंक्शंस को, इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, कि दो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं। आप पैरामीटर एक भी पास कर सकते हो, आप पैरामीटर चार या पांच भी पास कर सकते हो, जितनी आपकी मर्जी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पैरामीटर जीरो भी हो सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास ना करें, पैरामीटर एक भी हो सकता है, और पैरामीटर दो या तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जितने पैरामीटर्स यहाँ से आपने पास किए हैं उतने ही यहाँ पर आपने कैच भी करने हैं। कैच से मतलब है कि किसी न किसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पर सेव भी करवाने हैं,
यहाँ पर आप अपनी मर्जी के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लो जिनके अंदर आप ये दो पैरामीटर्स को सेव करोगे। अगर आपने तीन यहाँ पे करवाए होते तो आप तीन वेरिएबल्स ऊपर लगाते इनको सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सी आउट करवा लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो हुआ ये है कि ये दो पैरामीटर सेवन और सेवन, पहले वाला सेवन फर्स्ट वेरिएबल के अंदर सेव हो गया, दूसरे वाला सेवन सेकेंड वेरिएबल के अंदर सेव हो गया। दोनों इंटीजर टाइप के थे इसलिए हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करवाए और इसके अंदर फिर हमने एक आउटपुट करवा लिया ए प्लस बी को। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट सी आउट का आ गया है 14, 7 प्लस 7 14। होप सो ये क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मतलब अपने मेन मेथड के अंदर मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊँ ए को या ए प्लस बी को ही मैं सपोज सी आउट करवाऊँ तो यहाँ पर मुझे एक एरर आएगा, ए इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, बी इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि मैंने मेन मेथड के अंदर कोई भी ए या बी वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो जाता है स्कोप ऑफ वेरिएबल। मैंने वेरिएबल्स इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं, इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं इंट ए और इंट बी, तो ये वेरिएबल्स सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही चल सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर इनको लिखूंगी तो ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लोकल स्कोप। ए और बी का जो स्कोप है, ए और बी वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो लोकल है, मतलब वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, इस बॉडी के अंदर, इससे बाहर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें एरर आएगा कि ये आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को लोकल वेरिएबल के स्कोप के बारे में बताया, होप सो क्लियर। अब हम अगर कोई चीज यहां से रिटर्न करवाना चाहते हैं तो हम सिंपली इंट का एक कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। आप बेशक सी आउट साथ करवाते जाओ वो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप रिटर्न करवा लो ए, सपोज ए मल्टीप्लाई बाय टू हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। अगर हमने रिटर्न करवाया तो ऑफ कोर्स फिर हमें यहाँ पर इसको कैच भी करना पड़ेगा, तो एक इंटीजर वेरिएबल जी के अंदर हम इस वेरिएबल को कैच करते हैं और बाद में हम उस जी को यहाँ पर आउटपुट करवा लेंगे। यहाँ पे मैं एंडल लगा रही हूँ ताकि हमें लाइन चेंज का पता चले। अब हम चेक करते हैं कि ये चीज काम करती है या नहीं। ओके अब आप यहाँ पे चेक करो, सबसे पहले तो ए प्लस बी का रिजल्ट आ गया 14, रिटर्न क्या हुआ ए मल्टीप्लाई बाय टू, तो ए मल्टीप्लाई बाय टू भी इनफैक्ट 14 ही होता है, 7 2 14, रिटर्न हुआ वो जी के अंदर और जी सी आउट हो गया। तो इसको ना हम प्लस करवा लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन समझ आ जाए। इसको एंड करना चाहिए था। ये अब हम रिजल्ट देख रहे हैं, सबसे पहले टॉप पर 14 आया है इस सी आउट का रिजल्ट लाइन नंबर 4 पे, और उसके बाद 9 आया है इस सी आउट का रिजल्ट लाइन नंबर 11 पे, ठीक है, क्योंकि 7 प्लस 2 इज 9। ये हमें समझ आ गई, आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा अब ये जो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं, जरूरी नहीं है ये इंटीजर टाइप के नंबर्स ही हों, तो आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लो और उन वेरिएबल्स को आप एज पैरामीटर्स पास करा दो। तो एक्स और वाई के अंदर वैल्यू आप यूजर से भी इनपुट ले सकते, पास करवा सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्स और वाई को पास करवा रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आया 4 एंड 4, क्योंकि 2 और 2 पास हुआ था, तो ए प्लस बी 2 प्लस 2 4, उसके बाद रिटर्न भी 2 प्लस 2 हुआ वो भी 4 था, जो सी आउट हमने जी करवाया था वो भी 4 ही रिजल्ट आया, तो 4 और 4 दो रिजल्ट हमें मिल गए। समझने की जरूरत यहाँ पे है, सिंपल ये मैकेनिज्म है कि ये काम हो किस तरह रहा है। चीजें हम जो पास करवा रहे हैं वहीं पर भी सी आउट करवा सकते हैं, रिटर्न भी करवा सकते हैं, ठीक है। रिटर्न जब हम करवाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स जहाँ से उनको कॉल किया गया वहाँ पर उनको कैच भी करना ज़रूरी होता है, मतलब एडिशन के फंक्शन को यहाँ से कॉल किया गया और उसको कुछ वैल्यूज़ पास की गई, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, वापस भेज रहा है,
जो चीज़ ये वापस भेज रहा है उसको भी किसी वेरिएबल में हमने सेव करवाना है उसको इस्तेमाल करने के लिए। उसको एक नया वेरिएबल हमने यहाँ लिख के उसको हमने सेव किया, फिर हमने उसको सी आउट करवा के चेक किया कि जो वापस चीज़ आई थी वो क्या थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं ए और बी की वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस करूँ, जैसे ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 और बी इज इक्वल टू बी प्लस 2, कुछ चेंजेस कर रही हूँ मैं ए और बी वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, और चलिए पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आया है 9। इसको चेक करते हैं ये किस तरह आया है। हमने एडिशन को कॉल किया, हमने ए की वैल्यू के अंदर 5 ऐड किया और बी की वैल्यू के अंदर 2 ऐड किया, तो ए यहाँ पर क्या हो चुका था 2 प्लस 5 7 और बी हो चुका था हमारे पास, ये मैं कमेंट में लिख रही हूँ, 2 प्लस 2 4। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास 9 आया है और रिटर्न दरअसल हम करवा रहे थे 7 प्लस 2, जो रिजल्ट था वो 9 हम रिटर्न करवा रहे थे, तो 9 हमारे पास सेव हो गया जी के अंदर और जी को हमने आउटपुट करवा लिया। दिस वॉज द मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर x और y को अगर मैं चेक करूँ कि x और y के अंदर क्या चीज़ है जो हम पास करवा रहे हैं वेरिएबल्स, यहाँ से 2 और 2 मैं पास करवा रही हूँ, इन वेरिएबल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अभी तक 2 और 2 ही रहेंगे। बाद में मैं उधर जाके a और b के अंदर जितना मर्जी एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाती रहूँ, वो फ़र्क वो लोकल वेरिएबल्स हैं, उनका फ़र्क उनके मैथ फंक्शन तक रहेगा। ठीक है, वो जो भी डिफरेंस मेक कर रहे हैं वो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो ये मैं x और y को ना यहाँ पे आउटपुट करवा के हम देख लेते हैं कि x और y के अंदर क्या चीज़ है अभी तक, फंक्शन को कॉल करने के बाद, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होने के बाद। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि 2 और 2 दो रिटर्न आए हैं, मतलब x और y की वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। x और y की वैल्यूज़ यहाँ से पास हो गई हैं, एक कॉपी पास हो गई है a और b के अंदर, लेकिन ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं x और y की वो एज इट इज़ यहीं पर हैं। बाद में फिर हमने ए और बी की वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस की हैं, कुछ एडिशंस की हैं, फिर उसके अंदर कुछ सब और एडिशन करके हमने रिटर्न करवाया है, लेकिन वो जो चीज़ जो हमने रिटर्न करवाई है वो जिस वेरिएबल के अंदर हमने शो करवाई वो वहीं पे है, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने थोड़ा सा किया कि हम पास बाय वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है कि हम दो तरीके होते हैं हमारे पास फंक्शंस को वैल्यूज पास कराने के, एक होता है पास बाय वैल्यू और दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस। अभी तक हमने जितना भी देखा ये था पास बाय वैल्यू। आप इसके लिए वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो, आप इंटीजर्स या कॉन्स्टेंट्स भी पास कर सकते हो, जैसे इस एग्जाम्पल में 3 और 5 एज इट इज़ पास किया गया है, और हमने अपनी एग्जाम्पल में एक्स और वाई को पास करके देखा वेरिएबल्स को। तो दोनों तरीक़ों से हम पास बाय वैल्यू कर सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक्स और वाई को इस एज अ वेरिएबल पास किया गया था, ये सब पास बाय वैल्यू की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये भी एक पास बाय वैल्यू की एग्जाम्पल है। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास पास बाय रेफरेंस का। ठीक है, अब पास बाय रेफरेंस में इसी चीज को मैं, इसी एग्जाम्पल को आप लोगों के सामने मैं इसको कन्वर्ट करूंगी पास बाय रेफरेंस से, और फर्क इतना है, सिर्फ इतना सा होगा कि मैं यहां पर एंड का सिंबल लगा दूंगी, सिर्फ यहां पर इन दो पैरामीटर्स के साथ। यहां पर ये कैच हो रहे हैं, ये पैरामीटर्स यहाँ पर कैच हो रहे हैं, इनके साथ मैंने एंड के सिंबल्स लगा दिए। तो अब मैं इस एग्जाम्पल को, इस प्रोसेस को मैं कहूँगी पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस से फ़र्क ये पड़ता है कि अब मैंने ए और बी के अंदर जितनी भी चेंजेस की हैं वो एक्स और वाई में शो होंगी। पहले शो नहीं हो रही थी, लेकिन अब पास बाय रेफरेंस में ये चेंजेस यहाँ भी सो होंगी, मतलब इसका अब रिजल्ट आपके पास आने वाला है 7 और 4। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप सबके सामने है 7 और 4, तो ये बड़ा अच्छा एक डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, पास बाय वैल्यू में और पास बाय रेफरेंस में। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इसको, पास बाय वैल्यू में हम ये एंड का सिंबल्स नहीं लगाते,
हम सिंबल नहीं लगाते, तो जो चीज़ें हम यहाँ पर जो इतने भी फ़र्क डाल रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं, वो यहीं के यहीं रह जाती हैं, वो यहाँ पर हमारे मेन मेथड में शो नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे मेन मेथड में शो हो, तो हम पास बाय रेफरेंस कर लेते हैं, सिंपली एंड के साइंस लगा देते हैं, और अब जो भी हम चेंजेस ए और बी में यहाँ करेंगे, वो चेंजेस मेन मेथड के अंदर भी शो होंगे। जैसे आप सबके सामने एक्स और वाई की वैल्यूज 7 और 4 हो चुकी हैं। सिंपल, ये एक ही लाइन हमने सी आउट यहाँ से कराई है ना, और वो सी आउट लाइन हमें 7 और 4 रिटर्न कर रही है, जबकि आप सबके सामने था कि एक्स और वाई के अंदर हमने इनिशियल वैल्यू 2 पास की थी, और उसके बाद इस मेन मेथड के अंदर एक्स और वाई के ऊपर कोई वर्किंग हमने नहीं की, हमने सिंपल उसको सी आउट करवाया। सिंपली हुआ क्या था कि एक हमने फंक्शन कॉल की थी, और उस फंक्शन में जाकर पास बाय रेफरेंस के थ्रू इसकी वैल्यूज चेंज हो गई। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास फंक्शंस के, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ठीक है, इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा और कॉन्सेप्ट होता है, वो हम थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस सब को भी रिमूव कर रही हूँ, पैरामीटर्स के बारे में ही हम थोड़ी सी और बात करेंगे। कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स हम कैच कर रहे हैं, और एक वेरिएबल को हम, एक पैरामीटर को हम कोई ना कोई वैल्यू पास करवा रहे हैं, यहीं पर, मतलब हम उसको इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पैरामीटर्स की, कि अगर मैं एक पैरामीटर यहाँ पर, सपोज हम यहाँ से कुछ पैरामीटर्स हम पास करवाते हैं इस फंक्शन को, दो पैरामीटर्स पास हो रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल, एक पैरामीटर का वैल्यू पास करवाते हैं, क्योंकि दूसरे की हमने वैल्यू यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दे दी है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम सिंपल एक अब पैरामीटर की वैल्यू देंगे, दूसरा उसके अंदर पहले से मौजूद है, और यहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी। हम रन करके देख लेते हैं। फोर आप सामने रिजल्ट आ गया है। अच्छा, अब आप बी की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से उसको जो है उसकी वैल्यू चेंज करें। आप एक दफ़ा दोबारा भी फंक्शंस को जितनी दफ़ा चाहें आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको दो पैरामीटर्स के साथ कॉल कर रही हूँ, 2 और 4 के साथ। तो अब जो बी की वैल्यू है ये 4 हो जाएगी, बी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको पास की हुई थी 2, ये चेंज होके अब ये 4 हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू। इसको हम रन करके देख लेते हैं, के बाद हम एक एंड एल करवाएंगे ताकि हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाए प्रोग्राम का। दो दफ़ा मैंने एक ही फंक्शन को कॉल किया और डिफरेंट पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं। फर्स्ट में हमारे पास रिजल्ट आया 4, क्योंकि बी के पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 थी। सेकंड में मेरे पास रिजल्ट आया 6, ठीक है, क्योंकि मैं 4 पास कर रही थी बी की जगह। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हम पैरामीटर्स को देते हैं उनको हम यूज़ भी कर सकते हैं और उनको हम सरपास भी करवा सकते हैं। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा आखिरी पैरामीटर को देनी है। ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर कि हम ए को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करा दें, सपोज 3 पास करवा दी, और बी को हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पर एक एरर आएगा। ठीक है, ये आपने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2। अगर तो आपने फर्स्ट पैरामीटर को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेकेंड को भी दें, बेशक वो 0 ही हो, लेकिन आपके लिए मस्ट है। बाद में आप चाहे दोनों को ही सरपास करवा दें। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इस चीज़ को जो मैंने आपके सामने की है। अब यहाँ पे 2 पास हो रहा है, तो ये वाला एक्चुअली जो 3 था ये सरपास हो जाएगा, ए के अंदर 2 रहेगा, तो 2 प्लस 0 इज़ 2। तो आप सबके सामने रिजल्ट पहले का आ गया 2। सेकेंड कॉल में दोनों चेंज होंगे, 2 और 4 जो हैं वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो पैरामीटर्स हमने दिए थे ये वाले यूज़ होंगे, तो 2 प्लस 4 इज़ 6। तो सेकेंड में हमारे पास 6 रिजल्ट आ जाएगा। एक नई चीज़ भी आप लोगों ने देख ली, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स किस तरह के होते हैं। अगर एक
पैरामीटर को आपने डिफॉल्ट किया तो उससे अगला भी डिफॉल्ट पैरामीटर को कोई ना कोई वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट को आपने वैल्यू दे दी और सेकंड को नहीं दी। ठीक है, इसमें क्या दर आएगा, जितनी दफ़ा चाहें आप एक ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बार बार डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। ये आसानी होती है हमारे पास फंक्शंस की, कि हमने एक चीज़ पे एडिशन करवानी है हमने, या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन हमने कुछ दो या तीन नंबर्स की करवानी है, हम सिंपल पैरामीटर्स पास करते जाते हैं और हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रही है वो हमें रिजल्ट पास करता जाता है। ये चीज़ भी आप लोगों को समझा दी मैंने। ये हमारा फंक्शंस थे, आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में हमने बात कर ली, पैरामीटर्स के बारे में हमने बात कर ली कि पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पैरामीटर्स और इनकी पासिंग इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से ना प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास कुछ लैब प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपकी। अच्छा, फर्स्ट वन हमारा है, आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि एक नंबर इनपुट लेगा यूजर से मेन फंक्शन में सीन से, और उस नंबर को हम पास कर देंगे एक फंक्शन को, और वो फंक्शन कोई भी आप उसका नेम रख लें वो आपकी मर्जी है, वो फंक्शन उस नंबर का जो इनपुट हुआ है यूजर से उसका टेबल डिस्प्ले करवाएगा। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। सेकेंड है हमारे पास, हमने दो नंबर्स इनपुट लेने हैं यूजर से और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, इन चारों में से कोई एक, दो नंबर्स और एक ऑपरेटर। मेन मेथड में हमने जो है इनपुट ले लेना है, ये सब चीज़ें तीनों चीज़ें हमने पास बाय रेफरेंस करनी है एक फंक्शन को, जो भी ऑपरेटर था वो अप्लाई करना है दोनों फंक्शंस के ऊपर, दोनों सॉरी नंबर्स के ऊपर, और रिजल्ट जो भी आएगा वो हमने आउटपुट करवा देना है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये पास बाय रेफरेंस होना चाहिए। थर्ड प्रोग्राम है, आप लोगों ने इनपुट करनी है यूजर से बेस और हाइट एक ट्रायंगल की, उसको पास करना है एक फंक्शन को, फंक्शन एरिया कैलकुलेट करेगा, एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है, एरिया कैलकुलेट करने के बाद फंक्शन उसको रिटर्न करेगा मेन में, मेन फंक्शन में जहां पर हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे, मतलब उस फंक्शन की रिटर्न टाइप होनी चाहिए। प्रोग्राम नंबर फोर है, हमने दो इंटीजर्स इनपुट करने हैं, फर्स्ट इंटीजर को हमने एक फंक्शन को पास करना है जो कि इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, सेकेंड इंटीजर को एक दूसरे फंक्शन के पास पास करना है जो कि उसका क्यूब कैलकुलेट करेगा। दोनों फंक्शंस रिटर्न करेंगे वैल्यूज मेन मेथड में, और मेन मेथड उन दोनों का रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। ये फोर प्रोग्राम्स हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ये थी आज की हमारी लैब नंबर 12। होप सो आपको क्लियर है। अल्लाह हाफिज़।